आज मैं आपको रशियन सैलेड बनाने की रेसिपी बताऊंगी, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सेपरेट बाउल में मैं डाल रही हूँ। रशियन सैलेड में ये चार चीजें जरूरी डलती हैं, मटर, कैरेट्स, आलू, मेयोनीज। आपको जो भी सब्जियां पसंद है, सब्जियां फ्रूट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। आप पाइन एप्पल भी डाल सकते हैं, एप्पल भी डाल सकते हैं, पास्ता बॉईल करके डाल सकते हैं, चिकन बॉईल करके डाल सकते हैं। कैरेट और आलू पहले इन्हें वॉश कर लिया, फिर छील लिया, छीलने के बाद दोबारा वॉश कर लिया। मटर भी ले लिए और ये कॉर्न ले लिए। इन सब चीजों को बॉईल कर लेंगे सॉल्ट डाल के। सबसे पहले हम कैरेट को बॉईल करेंगे, फिर आलू को बॉईल करेंगे। जब आलू भी बॉईल हो जाएंगे फिर मटर और कॉर्न डाल के बॉईल कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए इनको निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। सब्जियां जब ठंडी हो जाएंगी तो इनको हम क्रीम और मेयोनीज में डाल देंगे। जब आपकी सब्जियां गर्म होंगी और आप इनमें डाल देंगे तो आपका सारा जो रशियन सैलेड है वो खराब हो जाएगा। कैरेट की कटिंग कर लेते हैं। आपको जिस तरह पसंद है अपनी मर्जी से अपनी शेप में काट लें। कैरेट की कटिंग कर ली, आलू की भी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप सब्जियों को इकट्ठा बॉईल कर लें या फिर आप इनको अलग अलग बॉईल कर लें। कैरेट आलू की कटिंग हो गई है, मटर और कॉर्न इन सब सब्जियों को बॉईल कर लेते हैं। पतीली में पानी डाल के रख लिया, जैसे इसको बॉईल आएगा सब्जियों को बॉईल कर लेंगे। ठंडे पानी में सब्जियां नहीं डालनी, ठंडे पानी में सब्जियां डालने से सब्जियां सख्त हो जाती हैं और वो देर से कुक होती हैं। सबसे पहले कैरेट डालेंगे और इनको डाल के 2 मिनट्स कर लेंगे, फिर आलू डाल लेंगे। आपकी मर्जी है आप सब्जियों को इकट्ठा बॉईल करें या अलग अलग बॉईल करें। इनको कवर करके बॉईल कर लेते हैं। आलू भी डाल लेते हैं, 5 मिनट्स कर लेते हैं। मटर भी डाल लें। आप चाहें तो इनमें सॉल्ट डाल के भी अपनी जो है सब्जियों को बॉईल कर सकते हैं। मटर डाल के 4 मिनट्स बॉईल कर लेते हैं। ये कॉर्न डाल के 3 मिनट्स कर लेते हैं। सारी सब्जियां बॉईल हो गई हैं, 14 मिनट्स में बॉईल हुई हैं। ये देखे आलू हमारे बहुत अच्छे जो हैं ये बॉईल हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं। सारी सब्जियां जो हैं इस छानने में डाल ली हैं और सब्जियों का पानी नीचे है। इस सैलेड में ये पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहें तो इस ये वाला जो सब्जियों का पानी है आप जो भी वेजिटेबल बनाएं उसमें आप यूज कर सकते हैं। मेयोनीज 4 टेबलस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, 1 egg। एग को बॉईल कर लेना है। आप एग को बॉईल करने से पहले इनको चेक कर लें कि आपका एग सही है। चाहे आप किसी किस्म का भी एग का इस्तेमाल करें, सबसे पहले आप एग को चेक करें आपका एग ठीक है। आप ठंडा पानी ले लें और अपना एग इसमें डाल दें। अगर आपका एग जो है नीचे है तो इसका मतलब आपका एग ठीक है। अगर वो ऊपर आना शुरू हो गया है तो आपका एग खराब है, वो एग आप मत यूज करें। एग भी बॉईल कर लेते हैं। पहले पानी को आपने इनको गर्म कर लेना है, फिर एग डाल के इनको 5 मिनट्स बॉईल कर लेते हैं। एग जब आपका बॉईल हो जाए तो इनको इस पानी से निकाल लें और ठंडे पानी में डाल के इनका छिलका ऑफ कर लें। एग को बॉईल कर लिया, बॉईल होने के बाद ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में 5 मिनट्स रखना, उसके बाद छिलका ऑफ कर लेना।
एग की कटिंग कर लेते हैं, जैसे आपको पसंद है उतना आप अपनी मर्जी से काट लें इन्हें। आप चाहें तो 2 एग भी बॉईल कर सकते हैं। और ये जो एग बॉईल है मैं पूरे जो है सलाद में नहीं डालूंगी, सेपरेट रखूंगी, सब बच्चों को एग पसंद नहीं है। एप्पल को वॉश कर लिया, इनको काट लेते हैं। आप जो हैं अपने एप्पल जो हैं इनका छिलका ऑफ कर लें। एप्पल जो है इनकी भी कटिंग कर लें छोटी छोटी सी, जैसे आपको पसंद है। एप्पल की कटिंग आपने सबसे आखिर में करनी है, एप्पल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। एप्पल की भी कटिंग होगी। शुगर 1/2 टेबल स्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून। व्हाइट मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्रीम में डालना है तो ब्लैक मिर्च डालेंगे तो वो क्रीम में ब्लैक मिर्च ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती। ये सब चीजें रेडी हो गई हैं। मैं इसमें पाइनएप्पल का इस्तेमाल नहीं कर रही, बच्चों के गले खराब हैं, वो थोड़े थोड़े खट्टे होते हैं। सब्जियां ठंडी हो गई हैं, सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इनको डाल लेते हैं, फ्रेश क्रीम, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट मिर्च पाउडर। इनको मिक्स कर लें पहले आप अच्छे तरीके से। शुगर, ये वाली उबली हुई सब सब्जियां भी डाल लेते हैं, एप्पल भी डाल लेते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। ये रेडी हो गया। सेपरेट बाउल में मैं डाल रही हूँ और ये जो बॉयल एग है ये भी इनमें डाल रही हूँ। किशमिश, आप अपनी नमक मिर्च और क्रीम भी अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको किशमिश पसंद है तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं। रशियन सैलेड बनके रेडी हो गया। ये वाला सैलेड एग और किशमिश वाला है, ये वाला सैलेड बगैर एग और किशमिश के। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।